हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 फॉर्म्स, क्वेरी एंड रिपोर्ट्स के बारे में। मैं कुछ टॉपिक इसमें पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन आज हम पूरा दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है एंटरिंग, अपडेटिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन। तो कैसे एंटर करते हैं किसी डाटा को, कैसे अपडेट करते हैं और कैसे उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब कहीं से कहीं अगर हमें भेजना है, निकालना है, तो हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यू मस्ट हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट द पर्पज ऑफ स्टोरिंग डाटा इन अ डाटा बेस इज टू प्रोड्यूस इट द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या है कि हम पहले ही जानते हैं कि जो हम डाटा स्टोर करते हैं अपने डाटा बेस में, तो वो हमारे लिए क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन बन जाती है। रिपोर्ट्स एंड क्वेरी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द इनपुट डाटा। रिपोर्ट्स और क्वेरी भी किससे जनरेट किए जाते हैं, जो हम डाटा इनपुट करते हैं उससे। दीज रिपोर्ट्स एंड क्वेरी हेल्प्स टू रिट्राइव द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन अ क्विक एंड फॉर्मेटेड मैनर। और रिपोर्ट और क्वेरी की सहायता से हम क्या अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को जल्दी और फॉर्मेटेड मैनर में फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न हाउ टू एंटर डाटा यूजिंग फॉर्म या जनरेट रिपोर्ट्स एंड क्वेरी इन ए प्रैक्टिकल एंड स्टेप बाई स्टेप मैनर। तो इन सेक्शन में हम ये जानेंगे कि कैसे हम डाटा को एंटर करते हैं बाई यूजिंग फॉर्म्स, और कैसे हम रिपोर्ट्स और क्वेरी को जनरेट करते हैं, और आज हम ये जानेंगे कि उसका कैसे प्रैक्टिकल करते हैं स्टेप बाई स्टेप। क्रिएटिंग अ फॉर्म, कैसे क्रिएट करते हैं फॉर्म को। इट इज़ नॉट वेरी कन्वीनियंट टू एंटर डाटा डायरेक्टली इन फील्ड इन अ स्प्रेडशीट फॉर्मेट। ये बिल्कुल कन्वीनियंट नहीं है कि जैसे हम डाटा स्प्रेडशीट में एंटर करते थे वैसा ही इसमें डायरेक्ट कर सकें। इसमें क्या है, पहले हम डाटा को टाइप बताते हैं कि डाटा का टाइप कैसा है ना, और डाटा हमारा किस तरह का है, वो सारा चीज़ हमें इसमें बताना पड़ता है, तब उसमें हम डाटा को एंटर करते हैं। हमें फील्ड को सेलेक्ट करना पड़ता है, फील्ड बताने पड़ते हैं, उसका रिमार्क जो भी लिखना है वो लिखना पड़ता है, तब जाके हमारा डाटा एंटर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए फील्ड नेम है STU_name लिखा है, तो डज नॉट कन्वे मच टू अ यूज़र लाइक अ हेडिंग। ये ऐसे कन्वे नहीं कर सकते कि ये उसकी हेडिंग है। एंटर ए नेम फॉर द स्टूडेंट, मतलब ये क्या है कि वो अपना नाम, स्टूडेंट का नाम वो यहाँ एंटर करे। यू कैन क्रिएट फॉर्म सो दैट डाटा कैन बी एंटर्ड कन्वेंटली इन अ फॉर्मेट मैनर। जैसे पहले हम उसमें हेडिंग डाल देते थे तो नीचे हम डाटा को एंटर करते चले जाते। इसमें क्या, हमें फॉर्म में क्रिएट करना पड़ेगा, वो उसको लोकेशन देनी पड़ेगी कहाँ हम उसे क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे आपने फॉर्म देखा होगा, ऑनलाइन फॉर्म जब भरते हैं तो उसमें अलग लिखा होता है कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो आगे उसमें ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे एंटर किया जाता है, तो वो डाटा ऑटोमेटिक आपकी शीट में पहुँच जाता है। तो जब हम सबमिट करते हैं तो डाटा हमारा उसमें अंदर एंटर हो जाता है। तो इसीलिए इसमें भी हम बता रहे हैं कि कैसे हम कैसे क्रिएट करेंगे फॉर्म को। तो फॉर्म को क्रिएट करने का जो तरीका है वो इसमें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सेलेक्ट टेबल फ्रॉम द नेविगेशन पेन फॉर विच यू वांट टू क्रिएट अ फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले नेविगेशन पेन में जाएंगे, जहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, यू वांट टू क्रिएट ए फॉर्म, फॉर्म क्रिएट पर ऑप्शन पे जाएंगे, तो क्लिक द क्रिएट टैब, क्रिएट टैब पे चले गए, फिर क्लिक ऑन द फॉर्म बटन, फॉर्म बटन पे जाएंगे, फिर नीचे ये आ जाएगा ऑप्शन, तो उसे सेलेक्ट कर देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि आपके पास वो ऑप्शन आपको शो हो जाएगा, फिर उसमें आपको उसे सेव करना है। तो उसके लिए क्या करना है, यू विल सी एंट्री फॉर्म ओपन इन इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपके सामने वो फॉर्म निकल के आ जाएगा। द फील्ड नेम्स एज हेडिंग, जब आप उसका नाम सेव कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे उसमें सेव ऑप्शन का आएगा, सेव पे जैसे आप उसका नाम लिखोगे, अपना नाम लिखोगे या जो भी फॉर्म उसका फॉर्म का नाम है, तो वो फॉर्म का नाम क्रिएट हो जाएगा, फिर वो सेव कर दोगे आप उसे। द फील्ड नेम एज हेडिंग विल बी डिस्प्लेड, आपके पास एज ए हेडिंग वो डिस्प्ले हो जाएगी। डबल क्लिक ऑन एनी फील्ड नेम टू एडिट इट इफ़ रिक्वायर्ड, अगर आपको ज़रूरत है कि उसका नाम चेंज करना है तो आप उसे वहीं पर जाके डबल क्लिक करेंगे तो वो नाम एडिट हो जाएगा। एंटर डाटा इन ईच फील्ड एंड प्रेस द एंटर की टू गो टू द नेक्स्ट फील्ड, वैन द एंटर की विल बी प्रेस्ड इन द लास्ट फील्ड ऑफ द फॉर्म, द नेक्स्ट एंट्री रिकॉर्ड विल अपीयर ऑटोमेटिकली। मतलब जब आप डाटा एंटर करेंगे तो एंटर करते चले जाएंगे, फिर जैसे आपको नेक्स्ट फील्ड में जाना है तो एंटर की प्रेस करेंगे, तो वो आपका जो डाटा है, जो रिकॉर्ड है, वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन में, नेक्स्ट वाले फील्ड में पहुंच जाओगे। व्हेन यू क्लोज द फॉर्म विंडो यू विल आस्क टू सेव द फॉर्म, जब आप क्लोज करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप इसे सेव करना चाहते हो, तो आप वहाँ से सेव कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर पहुँचते हैं। नेविगेशन बार क्या होता है, बिलो द फॉर्म यू विल सी द नेविगेशन बार टू गो टू प्रीवियस, नेक्स्ट, फर्स्ट और लास्ट रिकॉर्ड
कैन ऑल्सो एड ए न्यू रिकॉर्ड बाई क्लिकिंग ऑन द न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड। तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि क्रिएट कर सकते हो नेविगेशन से पहले फर्स्ट रिकॉर्ड पे, लास्ट वाले रिकॉर्ड पे, ठीक है, नेक्स्ट वाले रिकॉर्ड पे, न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड पर इसमें क्रिएट कर सकते जा सकते हो। ठीक है, तो ये इसे नेविगेशन बार का हमें इसलिए यूज़ होता है। क्रिएटिंग अ सिंपल क्वेरी, अगर आपको सिंपल क्वेरी क्रिएट करनी है तो क्या, आफ्टर यू स्टोर डाटा इन ए टेबल यू कैन क्विकली व्यू द सेलेक्टिव डाटा विद द हेल्प ऑफ क्वेरी। तो आप जो अभी आपने डाटा एंटर किया उसके अकॉर्डिंग आप जिस जिस सेलेक्ट जो जो डाटा को सेलेक्ट कर लोगे उसके पर आप क्वेरी की हेल्प से कोई भी क्वेरी कर सकते हो, आसानी से उसे देख सकते हो जिस डाटा को आप देखना चाहते हो। यू कैन व्यू सेलेक्टिव रिकॉर्ड एंड फील्ड एज द आउटपुट ऑफ सर्टेन कंडीशन इम्पोज ऑन द डाटा इन द टेबल। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन हैव अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम एंड द डाटा डेट ऑफ द बर्थ ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट हुज एज इन मोर देन 15 ईयर। मतलब आप कोई क्वेरी लगाओगे कि जिन बच्चों की या जिन स्टूडेंट्स की 15 ईयर से एज कम है तो उनका मुझे डाटा शो हो जाए। तो पहले आप उन्हें सेलेक्ट कर लोगे, फिर क्वेरी लगा दोगे, उसके बाद क्या होगा, वो आपके पास सिविल्ड मतलब जो जो जिन जिन की जिन जिन की एज 15 ईयर से कम होगी वो आपको शो हो जाएंगे। एड इन टेबल फील्ड्स एंड क्राइटेरिया टू क्वेरी। इट इज़ नाउ टाइम टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ योर क्वेरी। फॉर दिस यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट सेलेक्ट द फील्ड फ्रॉम द टेबल विच यू वॉन्ट टू डिस्प्ले वैन योर क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड। आफ्टर दिस यू एड द क्राइटेरिया वैन यू डू दिस एंड रन द क्वेरी ओनली दोज रिकॉर्ड विच मैच द मैंशनड क्राइटेरिया विल बी डिस्प्लेड। मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको जिस जिसको सेलेक्ट करना है आप क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे आपके सामने वो टेबल या वो उतना डाटा शो हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, वो सेलेक्ट वाले पे ही होगा। सेलेक्टिंग द टेबल फॉर द क्वेरी। फर्स्ट यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द टेबल फ्रॉम विच यू वॉन्ट टू जनरेट द क्वेरी। मतलब सबसे पहले क्या है, आपको सेलेक्ट करना है टेबल को और फिर उसके बाद कौन सी आप किस तरह की क्वेरी को जनरेट करना चाहते हो उसे क्लिक करोगे। टू क्रिएट क्वेरी फॉर्म अ टेबल, ठीक है, तो इस तरीके से जाएंगे, क्लिक ऑन द क्रिएट टैब पे जाएंगे। क्रिएट टैब पे जाने के बाद क्वेरी डिज़ाइन पे जाएंगे, फिर उसके बाद थर्ड में द शो टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट द टेबल फॉर्म विच यू टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन। क्लिक ऑन द ऐड बटन, क्लिक ऑन द क्लोज बटन व्हेन डन। मतलब इसमें अपनी क्वेरी में जो रन करेंगे क्या करना चाहते हैं, तो वो हमारे पास टेबल है, क्वेरी है, सब कुछ दिखाई देगा। तो जो जो ऑप्शन आप करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको वो क्वेरी क्लिक हो जाएगी, रन हो जाएगी, डिज़ाइन हो जाएगी इसका मतलब। नेक्स्ट है एडिंग फील्ड्स एंड क्राइटेरिया टू क्वेरी। ठीक है, कैसे फील्ड को ऐड करते हैं और क्या क्राइटेरिया होता है क्वेरी करने का। तो नाउ यू विल गो गेट टू अ क्वेरी विंडो। यू विल सी द फील्ड ऑफ द एडिड टेबल इन द अपर पोर्शन एंड द क्वेरी ग्रिड इन द लोअर पोर्शन। You can add fields to display and criteria for the query in the grid. You can add all fields of a table or selective fields of a table in your query. Adding मतलब क्या है कि query window आपके सामने खुल के आएगा। You will see the field of the edit table. आपको एक वो दिखाई देगा option कि आप यहाँ पे add table कर सकते हो in the upper portion and the query grid in the lower portion, दोनों तरफ upper portion में भी कर सकते हो और lower portion में कर सकते हो। You can add field टू डिस्प्ले एंड क्राइटेरिया फॉर द क्वेरी इन द ग्रिड। मतलब ग्रिड में दिखाई देगा कि कहाँ आप उसे करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप वो सेलेक्ट करो और वहाँ एंटर कर दो कि यहाँ हमें नेक्स्ट मतलब ऊपर में चाहिए, अपर में चाहिए या लोअर में चाहिए, वो आप टेबल को वहाँ क्रिएट कर लो, फील्ड को क्रिएट कर सकते हो वहाँ पे। तो एडिंग ऑल फील्ड, इफ़ यू वॉन्ट टू एड ऑल द फील्ड्स ऑफ द टेबल इन योर क्वेरी डबल क्लिक ऑन द एस्टिक दैट इज डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द लिस्ट वेयर द फील्ड नेम आर लिस्टेड। मतलब सारे अगर आपको जो भी हैं जिन जिन पे आप लगा दोगे निशान, टिक कर दोगे, वो वाले सारे फील्ड आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, एडिंग सेलेक्टिव फील्ड्स इन द क्वेरी ग्रिड फ्रॉम द फील्ड ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट द फील्ड टू ऐड। यू कैन रिपीट दिस स्टेप टू ऐड मोर फील्ड। मतलब नेक्स्ट आपको जैसी फिर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई देगी। ड्रॉप डाउन का मतलब कि कौन कौन से फील्ड को आप इसमें क्रिएट करना चाहते हो, किसी को नहीं करना चाहते तो वो भी है कि आप उसको सेलेक्ट मत करो, नेक्स्ट वाले पे चले जाओ, उसे कर लो सेलेक्ट। तो जिस पर सेलेक्ट करोगे वही आपकी उतनी उतनी आपकी फील्ड जो है ना ऐड होते चले जाएंगे, उतने फील्ड आपके सामने आ जाएंगे। इफ़ रिक्वायर यू हाइड एनी फील्ड टू बी डिस्प्ले इन द क्वेरी बाय डिसेबलिंग द चेक बॉक्स बिलो द फील्ड नेम। मैंने बताया ना
जिस पर सेलेक्ट करोगे वो आपको शो हो जाएगा, जिस पर सेलेक्ट नहीं करोगे वो आपके सामने शो नहीं होगा। मतलब मानो कि मुझे दो ही फील्ड देखनी है तो दो फील्ड आप देख सकते हैं। एडिंग द क्राइटेरिया टू द क्वेरी, यू कैन एड ए सर्टेन क्राइटेरिया सो दैट ओनली दोज रिकॉर्ड विच मीट द स्पेसिफिक क्राइटेरिया आर डिस्प्लेड। ठीक है, कुछ ओनली उनके रिकॉर्ड पे हो सकता है जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया को डिस्प्ले कर सकते हैं, मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। जैसे प्लेस द कर्सर इन द फील्ड फॉर विच यू वांट टू सेट द क्राइटेरिया एंड टाइप द कंडीशन ऑफ विच यू वांट टू ऑब्टेन द रिजल्ट। मतलब फिर कंडीशन लगाएंगे, फिर वो चीज़ हमें वो उतना ही जो हमने कंडीशन लगाई है उसके ही अकॉर्डिंग हमारा वर्क फॉलो करेगा, उतना ही हो जाएगा। जैसे मतलब लेस देन, जैसे ग्रेटर देन कर देते कि हमें इतना ही चाहिए, इतने के बीच में हमें ये फील्ड चाहिए, तो वो फील्ड हमें शो हो जाएंगे। जो फील्ड नहीं चाहिए हम उन फील्डों को शो नहीं करेंगे, तो वो फील्ड हमें नहीं दिखाई देंगे। फिर है सेविंग द क्वेरी, नाउ सेव द क्वेरी सो दैट इट कैन बी एग्जीक्यूट लेटर। जैसे आप उसे अगर आप उसे क्वेरी को सेव करना चाहते हो किसी और किसी नाम से, तो आप इसे सेव कर सकते हो, और बाद में एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो बाद में इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो उसे बस क्वेरी को सेव कर लेंगे, बस क्लिक इन द क्लोज बटन द क्वेरी विंडो, यू विल बी प्रमोटेड सेव योर क्वेरी विद द नेम इन सेव एज बॉक्स। सेव बॉक्स में मिल जाएगा आपको, एंटर नेम फॉर द क्वेरी, नाम दे देंगे क्वेरी के लिए, क्लिक ओके बटन, ओके पर क्लिक कर देंगे, योर क्वेरी विल बी सेव्ड विद द गिवन नेम, यू कैन सी इट इन द नेविगेशन पेन। आप उसे नेविगेशन पेन में देख सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एग्जीक्यूट द एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी, द क्वेरी नेम विल अपियर इन द नेविगेशन पेन, यू नीड टू एग्जीक्यूट द क्वेरी टू सी द आउटपुट। मतलब क्वेरी नेम आपको दिखाई दे जाएगा नेविगेशन पेन में, और फिर आप उसे जब चाहे उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, आउटपुट निकाल सकते हो। दिखाई दे रहा है जैसे क्वेरी मैथ के नाम से उन्होंने एयर सेव की थी, यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे वो वाली क्वेरी आपको सामने दिखाई दे जाएगी। फिर डबल क्लिक करेंगे द क्विक क्विक नेम इन द नेविगेशन पेन एंड यू विल सी द आउटपुट द क्वेरी। तो उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट है वो आपको सामने शो हो जाएगा। चेक पॉइंट क्या है, इन द क्वेरी ग्रिड बिलो एंटर द क्राइटेरिया टू ऑब्टेन द रिकॉर्ड विच हैव मैथ मार्क्स मोर देन 60 एंड साइंस मार्क्स लेस देन 80। तो आप इसमें क्वेरी लगा सकते हो दोनों में, दोनों क्वेरी जिसके मार्क्स 60 से ज़्यादा हो, साइंस में लेस देन हो 80 से, तो वो दोनों आपको क्वेरी उसमें दिखाई दे जाएगी। अब क्रिएटिंग रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट्स आर मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग द प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन इन ए फॉर्मेटेड एंड ऑर्गेनाइज मैनर यूजिंग द टेबल और द क्वेरी एज इट्स सोर्स। रिपोर्ट में तो क्या है, प्रेजेंट करना है प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन, कि अगर हमने कोई चीज़ निकाली है तो हम उसे प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अब जिस फॉर्मेट में हम उसे चाहते हैं, मतलब मैंने कुछ ऑप्शन दिए हैं कि मुझे ये नाम मिल, ये फील्ड की सारी चीज़ें रिकॉर्ड हमें मिल जाए, तो वो रिकॉर्ड हमें शो हो जाएगा और फिर हम उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। मतलब हमने कोई डाटा डाल रखा है, एंटर किया है, और उस डाटा के अंदर मुझे ये फील्ड के आंसर चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए इस फील्ड का। जैसे मानो कि मेरे पास एक मार्कशीट थी और मार्कशीट के अंदर मैंने पूरे मार्कशीट में केवल साइंस के मार्क्स लेना चाहता हूँ, तो जिस जिसके साइंस में मार्क्स आए हैं वो रिपोर्ट क्रिएट कर देंगे, तो फिर उसके बाद पूरा हमें रिपोर्ट मिल जाएगा उसका। मतलब अगर हम चाहते हैं साइंस का मार्क्स मिल जाए और टोटली मिल जाए सारे सब्जेक्ट का, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। क्वेरी हो रखी है, बस क्वेरी रन करनी है उसे, ठीक है। जैसे क्वेरी को रन करेंगे तो वो हमें आंसर उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा और उसे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो रिपोर्ट अब क्या है, यू डू नॉट स्पेसिफाई क्राइटेरिया फॉर ए रिपोर्ट लाइक यू डू फॉर ए क्वेरी। यू डू नॉट स्पेसिफाई ए क्राइटेरिया फॉर ए रिपोर्ट लाइक यू डू फॉर ए क्वेरी। स्पेस क्राइटेरिया को स्पेसिफाई नहीं कर सकते इसमें, अगर जब हमारा वो प्रिंट हो जाएगा ना एक बार, उसके बाद हम उसे क्राइटेरिया को चेंज नहीं कर सकते। फिर है जनरेटिंग ए रिपोर्ट, वी विल लर्न टू क्रिएट अ बेसिक रिपोर्ट टू विच यू कैन ऐड मोर फीचर एंड फॉर्मेट इट एज रिक्वायर्ड फॉलो द स्टेप गिवन टू क्रिएट रिपोर्ट। मतलब फिर उसके बाद हमें और कुछ स्टेप्स को क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे अगर जनरेट करनी है तो क्या करेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं, देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे क्रिएट ए बेसिक रिपोर्ट, सेलेक्ट द टैब टेबल क्वेरी फ्रॉम विच यू वांट टू क्रिएट अ रिपोर्ट, क्लिक द क्रिएट टैब एंड रिपोर्ट बटन। रिपोर्ट बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये सारा हमें आंसर दिखाई देगा। देखो पहले पेज में, पूरा पेज में आ गया है। जैसे इसने इंग्लिश, मैथ, साइंस और हिंदी इन सब के मार्क्स ये रखे हैं, किस किस के कितने मार्क्स हैं, तो ये आ गया, ठीक है। अब इसमें कस्टमाइजिंग ए रिपोर्ट, यू कैन कस्टमाइज दिस रिपोर्ट बाई एडिंग वेरियस एलिमेंट टू इट। मतलब कस्टमाइज करना चाहते हैं तो कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। यू कैन
ऑल्सो डिलीट माई अनवांटेड एलिमेंट बाई सेलेक्टिंग इट एंड प्रेसिंग द डिलीट की। अगर उसमें से कुछ चीज़ों को हमें डिलीट करना चाहते हैं तो उसमें डिलीट ऑप्शन में जाएंगे, उस पर प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। चेंजिंग द मेन रिपोर्ट हैडिंग, अगर हमें चेंज करना है मेन रिपोर्ट की हैडिंग को, तो बाई डिफॉल्ट द रिपोर्ट हैडिंग इज़ द नेम ऑफ द टेबल और क्वेरी विच इज़ द सोर्स फ्रॉम योर रिपोर्ट। मतलब वो आपका उसी से, वहीं से रिपोर्ट क्रिएट होता है जहाँ आपने हैडिंग डाली है। यू कैन मॉडिफाई इट टू मेक इट मोर सुटेबल, आपके अकॉर्डिंग आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सेलेक्ट द रिपोर्ट हैडिंग बाई क्लिकिंग ऑन इट, चेंज द टेक्स्ट एज रिक्वायर्ड। फिर आप हैडिंग पर क्लिक करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग उसको रिक्वायर्ड, जैसे रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग द फील्ड हैडिंग, बाई डिफॉल्ट द फील्ड हैडिंग आर योर रिपोर्ट डाटा हैडिंग। इफ रिक्वायर्ड यू कैन मॉडिफाई दैम टू मेक दैम मोर मीनिंगफुल। सॉरी, तो आप हैडिंग को क्या कर सकते हैं, फील्ड हैडिंग आर योर रिपोर्ट डाटा हैडिंग, रिपोर्ट की वही डाटा हैडिंग होंगी। इफ़ रिक्वायर्ड यू कैन मॉडिफाई दैम टू मेक दैम मोर मीनिंगफुल, तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज भी कर सकते हैं रिपोर्ट की हैडिंग को भी। तो क्लिक ऑन द रिपोर्ट हैडिंग टू सेलेक्ट इट और फिर टाइप ए न्यू नेम फॉर इट। जैसे हम उसे अभी थोड़ी देर पहले हमने इसमें किया था कि मेन रिपोर्ट की हैडिंग चेंज की थी, ऐसे ही इसमें फील्ड की हैडिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम, अप्लाई द थीम। यहाँ पे बहुत सारी थीम दी है, आप इनमें से जो भी थीम को सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, आपकी वो थीम अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं इंसर्ट द लोगो। अगर लोगो क्लिक करना है तो यहाँ पे डिज़ाइन में जाएंगे, ठीक है, डिज़ाइन टैब में, और क्लिक ऑन लोगो बटन पे जाएंगे। ठीक है, पिक्चर लोगो बॉक्स ओपन हो जाएगा और सेलेक्ट द पिक्चर फाइल एंड क्लिक ऑन ओके बटन, द पिक्चर विल बी सेट एज द लोगो। कोई भी पिक्चर है आपके पास, ठीक है, आपने लोगो की बना रखी है तो आप उसे साइज, ठीक है, अगर उससे जैसे क्लिक करेंगे तो वो लोगो वाले ऑप्शन पे आ जाएगी। इन द रिबन फॉर्म द फॉन्ट ग्रुप यू कैन चेंज द फॉन्ट प्रॉपर्टीज लाइक द फॉन्ट टाइप, साइज, कलर एंड अलाइनमेंट ऑफ द रिपोर्ट कंपोनेंट्स। ठीक है, इसमें रिबन में दे रखा है कि फॉन्ट के अगर कुछ भी चेंज करनी है, फॉन्ट की प्रॉपर्टी चेंज करिए, लाइक उसका टाइप करना है, साइज करना है, कलर करना है, अलाइनमेंट करना है, तो आप इसमें जाके चेंज कर सकते हैं। ये लोगो आपको समझ में आ गया होगा, डिज़ाइन में जाना है, लोगो वाले ऑप्शन में जाना है और अपनी पिक्चर को सेलेक्ट करना है और उसे ओके कर देना, तो आपकी पिक्चर वो लोगो वाली पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, आप कोई भी लोगो बना सकते हो पहले से ही, लोगो क्रिएटर बहुत सारी ऐप आती हैं या बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, वहाँ से लोगो बना के वहाँ सेव करके और यहाँ इसमें उसे इंसर्ट कर लेंगे। सेविंग द रिपोर्ट, अब रिपोर्ट को सेव कैसे करते हैं, यू कैन सेव योर रिपोर्ट बाई फॉलोइंग दिस स्टेप। यू कैन क्लोज बटन, क्लोज बटन पर जाएंगे, यू विल बी प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट टू सेव योर रिपोर्ट विद द नेम इन सेव अब एज ए बॉक्स। बॉक्स में नाम देना है, आपको जो नाम उसमें डालेंगे तो उसको नाम से सेव हो जाएगा। एंटर नेम द रिपोर्ट एंड क्लिक ऑन द ओके बटन, द रिपोर्ट विल बी सेव्ड विद द नेम गिवन, आपके अकॉर्डिंग जो नाम दिया उसके सेव हो जाएगी। एग्जीक्यूटिंग द रिपोर्ट, डबल क्लिक ऑन द रिपोर्ट नेम एंड द नेविगेशन पैनल टू सी द आउटपुट द रिपोर्ट। अभी उसमें हमने दिखाया था, जैसे डबल क्लिक करेंगे उस पर तो हमारे फिर क्या होगा, आउटपुट आ जाएगा। एनी टाइम द रिपोर्ट विल बी फॉर्मेटेड बाई ओपनिंग इट, क्लिक ऑन द व्यू अराउंड एरो हेड बटन एंड सेलेक्टिंग द लेआउट व्यू ऑप्शन। मतलब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, जिस ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे उसी तरह का वो काम करने लगेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये फिर ये इसकी रिवीजन है, देखो, यू कैन क्रिएट फॉर्म सो दैट डाटा कैन बी एंटर्ड अपडेट कन्वीनियंटली। मतलब आप फॉर्म के द्वारा डाटा को एंटर कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यूजिंग द क्वेरी यू कैन व्यू सेलेक्टिव रिकॉर्ड एंड फील्ड एज द आउटपुट ऑफ सर्टेन कंडीशन इम्पोज ऑन द डाटा इन द टेबल। क्वेरी से सेलेक्टेड रिकॉर्ड जो होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग जैसी कंडीशन आप अप्लाई करेंगे उस तरीके का डेटा आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट डाटा करना पड़ेगा और उस डाटा के अंदर से जैसा हम डाटा शो कराना चाहते हैं, रिजल्ट लेना चाहते हैं, वैसे डाटा को शो कर सकते हैं क्वेरी के अकॉर्डिंग। व्हेन ए क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड ऑल रिकॉर्ड विच मीट द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया आर डिस्प्ले। जो क्वेरी को मैच करेगा, मीट करेगा, उसे वो क्राइटेरिया आपको डिस्प्ले हो जाएगा। रिपोर्ट आर द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग एंड प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन इन ए फॉर्मेटेड एंड ऑर्गेनाइज मैनर यूजिंग टेबल और क्वेरी एज इट्स सोर्सेज। मतलब क्वेरी से हमने जो जनरेट किया या फिर रिपोर्ट्स के द्वारा क्या है, हम अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन जिस फॉर्मेट में हम चाहते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग टेबल और क्वेरी। ठीक है, टेबल को यूज़ करके और क्वेरी को यूज़ करके। क्वेरी जब यूज़ होगी जब आप सेलेक्ट डाटा कर लोगे। ठीक है, क्वेरी रिपोर्ट, क्वेरी एग्जीक्यूट की उसके बाद आप रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हो तो आप आसानी से रिपोर्ट जनरेट करके उसका प्रिंट आउट ले सकते हो।
आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।